अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में पहले लोड शेडिंग होती थी और लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा अजाब था। पाकिस्तान में बिजली जाते हुए बिल्कुल टाइम ही लगता था। अभी भी वैसे वही सूरत है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। लेकिन आजकल जो जदीद तरीन लोड शेडिंग है वो है इंटरनेट की लोड शेडिंग, इसको आप डिजिटल लोड शेडिंग भी कह सकते हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतासर है। ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, या वो लोग जो इंटरनेट से वाबस्ता हैं, उनके लिए आजकल ये बड़ा मसला बना हुआ है। ये मसला है क्या और हुकूमत इसकी क्या वजह बताती है कि क्यों हो रहा है, और सोशल मीडिया पर इस हवाले से क्या बहसें चल रही हैं, ये मुकम्मल तफसील के साथ आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले तो इंटरनेट की अहमियत पर बात कर लेते हैं कि आजकल चूँकि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज नहीं बल्कि ग्लोबल होम बन चुका है, और इसका सबसे जो बड़ी वजह है वो इंटरनेट है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। आप पाकिस्तान में बैठे अपने मुख्तलिफ बिजनेसेस जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कर सकते हैं, और आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन वर्क का दौर है और फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो बिल वास्ता या बिला वास्ता फ्रीलांसिंग के साथ वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पर डिग्री होल्डर्स तलबा जिनको जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन वो फिर इंटरनेट का सहारा लेते हुए अपने रोज़गार की तलाश करते हैं और फिर अपनी रोज़ी रोटी यहाँ से कमाते हैं। कुछ लोग यूट्यूब से जो है वो कमा रहे हैं, कुछ फेसबुक से, इसी तरीके से दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, या कुछ लोग बाहर के मुल्कों में बैठे लोगों से अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ वो अपना बिज़नेस करते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है उनका तबादला करते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ ज़राए हैं जिससे लोग अपना जो है वो ज़रिया मुआश कमाते हैं। पाकिस्तान में रोज़गार की हालत आपके सामने है, लेकिन अब इशू ये है कि रोज़गार की हालत तो अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनेट है वो भी अब पाकिस्तानियों से दूर होता जा रहा है, और इंटरनेट की जो लोड शेडिंग है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। नौजवान भी सरापा एहतजाज हैं, और हर वो शख्स जो इंटरनेट से वाबस्ता है और उसका रोज़गार इंटरनेट से वाबस्ता है वो भी सरापा एहतजाज है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे मसाइल हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल तमाम तर तलीमी मवाद भी जो है वो ऑनलाइन ही मिलता है, और ख़ास तौर पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। इर्द गिर्द के लोगों से और ऑल ओवर दी कंट्री और अपने एक दूसरे के साथ जो रवाबत हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए लोग एक दूसरे से रबता करते हैं, तो व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो भी मुतासर है। वॉइस मैसेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे, इसी तरीके से वीडियोस नहीं जा रही, और मुख्तलिफ जो मवाद का तबादला होता था वो नहीं हो रहा। तो इस तरह के मसाइल ने पाकिस्तान को जो है वो मुंजमद सा कर दिया है, और मुख्तलिफ इस पर राय तजिए और तबसरे सामने आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट से जब पूछा जाता है तो इसको आलमी मसला डिक्लेयर किया जाता है। हमारे यहाँ एक जो है वो आम मकूला बन चुका है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इशू हो तो उसको आलमी मसला करार देकर उसे जान छुड़ा ली जाती है। अगर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है तो ये कहा जाता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, और इस वक्त पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है। अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं, आलमी मसला है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, लिहाजा आप तसल्ली रखें, जैसे ही दुनिया बेहतर होगी हम भी बेहतर हो जाएंगे। तो किसी भी मसले के ऊपर अगर हम कोई और इशू जो है वो डिस्कस कर लें, पेट्रोल की प्राइसेस पे बात कर लें, बिजली की प्राइसेस पे बात कर लें, तो आगे से जवाब यही आता है कि ये आलमी मसला है। चाहे गवर्नमेंट पीटीआई की हो, चाहे गवर्नमेंट नून लीग की हो, चाहे गवर्नमेंट पीपी की हो, जौन सी मर्जी सियासी पार्टी जो है वो इक्तदार में हो, जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये मसला ज़्यादा है, तो जवाब यही आता है कि ये एक आलमी मसला है। इससे पहले ये बात नहीं थी, लेकिन ये चार पाँच सालों में ये मकूला जो है वो हर ज़्यादा आम हुआ है कि जो भी इशू जिस पे भी आवाज़ उठाई जाए या आवाम मुतालबा करे कि ये क्या मामला है, इसका जवाब दें, तो उसका जवाब यही आता है कि ये एक आलमी मसला बन चुका है। तो हुकूमत वक्त के मुताबिक इंटरनेट का मसला भी अब आलमी मसला बन चुका है। कभी कोई शार्क जो है वो समंदर से तार खा जाती है, तो कभी शमसी तवानाई का और सूरज से कुछ शुआएँ आ रही हैं और वो मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर रही हैं। तो इस तरह के हीले बहाने तलाश किए जाते हैं और आलमी मसला इसको कहकर जान छुड़ा ली जाती है। एक निजी प्रोग्राम में जियो न्यूज़ पे राना सनाउल्ला साहब को जब ये पूछा गया कि ये जो इंटरनेट का मसला है, आपने जो है वो फायर वॉल लगाई हुई है और आप बार बार टेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी व्हाट्सएप की सर्विस डाउन थी और अभी भी वही मसला है, तो क्या समझते हैं, क्या इशू है? तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा जी हमें इसका कोई इल्म नहीं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं आपको उनसे सवाल करना चाहिए, गवर्नमेंट से इसका जो है वो सवाल नहीं बनता। बड़ा उन्होंने मज़ाक़ा खेज और ताज्जुब कुन जवाब दिया कि वो एक वफाकी वज़ीर हैं और उनकी हुकूमत के ऊपर ये ब्लेम आ रहा है कि चूँकि इस वक्त जो अपोज़िशन जमात, सबसे तगड़ी जमात अपोज़िशन की
पी टी आई है जिनका ये दावा है कि हुकूमत उनकी है, लेकिन ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत कर रहे हैं। तो उनका ये दावा है कि ये जो इंटरनेट की ये जो मुतासर हो रहा है इंटरनेट, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हुकूमत वक्त है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया को सबसे बेहतरीन इस्तेमाल पी टी आई ने किया है और इस वक्त पूरी पी टी आई अपना जो वजूद है वो इंटरनेट की वजह से रखती है। अगरचे इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन इंटरनेट ने जो मकबूलियत पी टी आई और इमरान खान को दी है वो शायद ही किसी लीडर को दी हो, और इंटरनेट का जो सही इस्तेमाल सोशल मीडिया का इमरान खान और पी टी आई ने किया है शायद ही किसी दूसरी जमात ने किया हो। तो हर शख्स ये इल्ज़ाम आयद करता नज़र आता है कि पी टी आई की इस पावर को खींचने के लिए, इस पावर को ख़त्म करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इंटरनेट को ही बंद कर दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरह की सूरत हाल, लेकिन इसका जवाब हुकूमत वक्त की जानब से बिल्कुल अजीब आता है कि जी हमारा इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, आप सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज़ हैं उनसे ये सवाल करें कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बहरहाल ओवरऑल बड़ी ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है कि जिन लोगों का हल्का फुल्का रोज़गार इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो भी बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं, VPN के जरिए कुछ ना कोई अपना निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन बहरहाल हर पाकिस्तानी इससे जो है वो मुतासर है और गवर्नमेंट की जानब से अभी तक कोई भी वाज़े मौक़िफ़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन की जानब से तो डेफिनेटली, और आम आदमी से जब आप पूछें तो वो भी यही बताएगा कि चूंकि PTI एक सोशल मीडिया की मजबूत जमात है, तो उस मजबूत आवाज़ को बंद करने के लिए जिस तरह दूसरे हथकंडे इस्तेमाल किए गए अब सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है। तो बहरहाल अभी तक इस हवाले से यही अपडेट्स हैं, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको बताएँगे, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर भी राय यही है, फ़िलहाल जो शवाहद हैं और जो मामला हैं वो यही बता रहे हैं कि PTI को ख़त्म करने के लिए और उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए ये जो काम है वो किए जा रहा है। कभी इंटरनेट वायर फाल जो वाल है वो लगाई जा रही है, तो कभी तनकीद को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।